सो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं मैं। हम बात करने वाले हैं मदरसन शेयर के बारे में कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शेयर ने एक बार फिर से अपना 105 रुपए का आसपास का 6 रुपए का आसपास का टारगेट आपको दिया है। मतलब एक बात मान के चल सकते हो आपकी शेयर फिर से अपने 52 रुपीज़ के आसपास के आ गया है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे थे जिनका इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, 90 रुपए, 98, 92 के आसपास का था, उनको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो इस प्राइस पे। अभी करंट प्राइस काफ़ी अच्छी चल रही है मार्केट में, इस पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय कम से कम एक मंथ है तो आप एक मंथ इस शेयर को दो, आपको एक मंथ बाद इसकी प्राइस 125 तक का आपको टारगेट देखने को मिलने वाला है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हो। आपको आने वाले 6 मंथ का टारगेट दोस्तों मैं बता दूंगा आपको क्लियरली। 6 मंथ के लिए होल्ड कर रहे हो आप शेयर को, तो 6 मंथ में आपको टारगेट दोस्तों 200 रुपये आसपास का लेके चलना है, 200 रुपीज़ के आसपास का लेके चलना है। क्योंकि अभी आने वाला है क्वार्टर 3 का रिजल्ट, जो कि काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट में है कंपनी। हो सकता है कि आपको काफ़ी बड़ा रेवेन्यू देखने को मिलने वाला है, हो सकता है कि आपको दोस्तों मल्टीपल रिटर्न दे सकता है कंपनी, क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है शेयर का और मार्केट बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा शेयर का बन चुका है। फिलहाल अभी अपने 52 रुपीज़ के आसपास के मार्केट में चल रहा है, तो क्लियरली ये हो गया है कि अब दोस्तों शेयर रुकने वाला नहीं है। वीडियो का आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो।